वेलकम बैक टू आवर चैनल गैलेक्सी क्लासेस PNJ। प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का ऑल वाला बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम माँ छठ व्रत पूजा के महात्म्य व इससे संबंधित कहानी तथा पूजन नियम व मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती छठ व्रत खासतौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत पूजा को महिला, पुरुष, शादीशुदा व कुंवारे कोई भी कर सकता है। ये सूर्य उपासना व छठी मैया का व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में ये प्रमुख तौर पर मनाया जाता है, परंतु अब ये पर्व पूरे विश्व के सभी देशों में, जहां पर भी हिंदू भाई बहन अपने परिवार के साथ हैं, अपने आस्था और विश्वास से छठ व्रत पूजा कर रहे हैं। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोककथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तारांकन एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। तारांकन कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। तारांकन एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ या डाला छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा चार दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा यमुना, किसी नदी के किनारे या अपने अपने आसपास के स्वच्छ तालाब पोखरे आदि में भी इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी या तालाब में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के चार दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बने खीर व देशी घी से बने पूरी आदि पकवान का भोग लगाकर व्रतधारी स्वयं भोग लगाते हैं। बाद में परिवार व अन्य सभी संबंधितों को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निःसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में सात प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम ऋणी सूर्याय नमः, ओम ऋणी सूर्य आदित्य, ओम ह्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फल देहि देहि स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः तारांकन 108 बार बोलें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोचक, शैक्षणिक व धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।